नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु पर। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, और ये खुशखबरी उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी BA BEd, BSc BEd या फिर BEd कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, जो भी विद्यार्थी 4 साल का BA BEd, 4 साल का BSc BEd या फिर 2 साल वाला BEd कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हाँ दोस्तों, आपका एग्ज़ाम अब नहीं होने वाला है, आपको प्रमोट कर दिया गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, तथा ये जानकारी मैं आपको पूरे वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पुनः प्रवेश री एडमिशन संबंधित ऑनलाइन फॉर्म भरने के संबंधित दिशा निर्देश। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने कहा है कि आपको जो है, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो या फिर आप 4 कॉलेजेस, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि महारानी, महाराजा, कॉमर्स या फिर राजस्थान कॉलेज में पढ़ते हैं, तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको प्रमोशन तब ही मिलेगा जब आप एक ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म भरते हैं। और ये फॉर्म भरने की वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। आप वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाके भी आप वहाँ से इसको ओपन करके देख सकते हैं। अब मैं इसकी आपको पूरी कंप्लीटली डिटेल बता देता हूँ कि कहाँ पर ये डिटेल आई है और कैसे आपको प्रमोशन की जानकारी मिली है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने न्यूज़ के ऊपर। दोस्तों, शिक्षा संकाय के विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत मिली है। विभिन्न पाठ्यक्रम जैसे कि BEd, BA BEd, BSc BEd या फिर MEd BEd, MEd BPed और MPed, इन कोर्सेज में जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। उनको अब एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो वापस से मैं एक बार जो इसको रिपीट कर देता हूँ, BEd कर रहा है कोई भी विद्यार्थी 2 साल का, BA BEd कर रहा है, BSc BEd कर रहा है, MEd कर रहा है, BEd MEd कर रहा है या फिर BPed MPed कर रहा है, जो कि 4 साल के हैं, के विद्यार्थियों को राहत यहां पर मिली है। फाइनल ईयर को छोड़कर शेष कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के आदेश गवर्नमेंट ने दे दिए हैं, शिक्षा विभाग ने दे दिए हैं। सभी विद्यार्थियों को अगली क्लास में किया जाएगा प्रोविजनल प्रमोट। कोरोना महामारी के चलते उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने लिया ये फैसला। विद्यार्थियों की इंटर्नशिप को लेकर भी दी गई है बड़ी राहत। आगामी कक्षा सत्र में इंटर्नशिप पूरी करने की भी इजाज़त दे दी गई है। मतलब अब BEd के विद्यार्थी, BPed के विद्यार्थी, यहाँ पर उनके सामने एक समस्या ये आ गई है कि उनका अगर फर्स्ट ईयर का प्रमोशन हो जाएगा तो फर्स्ट ईयर के प्रमोशन के साथ उनका जो इंटर्नशिप का क्या होगा, उनकी ट्रेनिंग का क्या होगा। तो उसके लिए भी उन्होंने बड़ी राहत ये दी है कि अगर उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर जब उनका सेकंड ईयर का इंटर्नशिप होगा उससे पहले उनका फर्स्ट ईयर का इंटर्नशिप करा लिया जाएगा। और यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए उनको बहुत बड़ी राहत मिल गई है कि उनको एग्ज़ाम नहीं देना है। दोस्तों, ये तो हो गया आपका जो है प्रमोशन का पूरा जानकारी कि प्रमोशन आपको मिल चुका है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर हो गई है। अब आपको करना क्या है प्रमोशन के लिए, आपको क्या करना है? तो दोस्तों, आपको या तो अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर आप अपने नज़दीकी मित्र पर केंद्र पर जाकर एक फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा जो कि प्रमोशन का फॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपना पिछले ईयर का रोल नंबर चाहिए, ठीक है, आपका कॉलेज का जो आईडी कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, 2 चीज़। और तीसरा, आप अपना एक फ़ोटो वहाँ पर लेकर जाएं, फ़ोटो सिग्नेचर, और ये ले जाकर जैसे आप मित्र पर जाते हैं वहाँ जाके आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जो कि आपका नेक्स्ट ईयर एडमिशन का फॉर्म होगा। ठीक है, ये जानकारी मैं आपको यहाँ से दे देता हूँ, और अगली क्लास में फिर आपका जो है प्रमोशन हो जाएगा। और इसका जो फॉर्म प्रिंटआउट निकलेगा उसको कॉलेज में जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दो, पुनः प्रवेश री एडमिशन फॉर्म की सभी सूचनाएं ऑनलाइन भरना आवश्यक है। पुनः प्रवेश फॉर्म को भरने में या यदि कोई दिक्कत आती है तो आप अपने संबंधित विद्यालय जिस या फिर कॉलेज महाविद्यालय में जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। फीस से संबंधित कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उससे आप बातचीत कर सकते हैं अगर जमा हो गई, कोई दिक्कत आई। ठीक है, एक बात और कि आपका इस साल आपकी फीस में कोई वृद्धि नहीं की गई है। आपको पुनः प्रवेश के लिए फॉर्म के साथ प्रथम वर्ष का परिचय पत्र एवं फीस में छूट हेतु आय प्रमाण पत्र, जो विद्यार्थी फीस में छूट चाहते हैं, जिनकी पहले फीस में छूट होती थी, वो अपना आय प्रमाण पत्र जरूर अपलोड करें। यदि आय प्रमाण पत्र अभी उपलब्ध नहीं है तो महाविद्यालय विभाग में जब भी आपकी कक्षाएँ लगेंगी उस समय आपको क्या करना होगा, अपना आय प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। ठीक है, और
एक बात और ध्यान रख ले, किसी भी विद्यार्थी को अपने पुनर्प्रवेश यानी रीएडमिशन फॉर्म भरने के हार्ड कॉपी दस्तावेज के सहित विभाग में जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। उक्त फॉर्म की हार्ड कॉपी अपने पास या फिर बैंक में जमा की गई जो रसीद है या फिर ऑनलाइन की जो रसीद है वो अपने पास निजी रिकॉर्ड में सुरक्षित रख ले, संभाल कर रख ले और महाविद्यालय विभाग द्वारा मांगने पर वो प्रस्तुत आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये जानकारी पूरी अच्छी लगी होगी। और यदि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की बहुत सारी खबरें आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।